हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है, ये बिल्कुल भी बाइक्स के ऊपर नहीं है, ना कि कोई प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर है और ना ही कोई राइड के ऊपर है। ये जो वीडियो है ये कंप्लीट है एक नई सीरीज़ जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने खुद के चैनल पे, और वो सीरीज़ का नाम है एक फिटनेस सीरीज़ जिसका नाम है फैट टू फिट। तो आपको पता होगा कि अगर आप एक बाइकर हो या एक फेमस पर्सनालिटी हो या कुछ भी हो या एक नॉर्मल इंसान हो, आपको सबसे फास्ट चीज़ ख्याल रखना होगा आपके फिटनेस का, दूसरा आपके पैसों का। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आपके पास फिटनेस नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो बेसिकली मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है तो मेरे प्रोफाइल पे जाके आप देख सकते हैं, यूट्यूब के प्रोफाइल पे। जो मेरा मकसद है इस चैनल को बनाने में वो तीन थे। एक था एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप कैसे जी सकते हैं फिटनेस के ऊपर, दूसरा मोटो ब्लॉगिंग के ऊपर। मैं बहुत ट्रैवल चंकी हूँ, मैं बहुत जगह घूमना पसंद करता हूँ, तो वो सब चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और तीसरा है लाइफस्टाइल, एक लग्जरी लाइफस्टाइल सभी नहीं जी सकते, पर एक मिडिल क्लास में रहकर आप सब लग्जरी चीज़ें जैसे कैसे जी सकते हैं वो मैं आपको मेरे चैनल पे दिखाऊंगा। तो जैसे कि हाल ही में मैंने अपनी मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर दिया था, प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर शुरू कर दिया था, और अभी ये जो देख रहे हैं वीडियो, इसके बाद ये आएगा फिटनेस रिलेटेड के ऊपर इस चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ कि कैसे आप फिट रह सकते हैं, कैसे मैं खुद फिट रहूँगा इस सीरीज़ में, वो आप सब कुछ देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाके बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी अनफिट है, अनहेल्दी है, बहुत सारे डिजीज़ से परेशान है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या BMI बॉडी मास इंडेक्स कुछ ज़्यादा हो गया, चलने में तकलीफ होती है, कहीं जाने में आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से होता है जो कि आप पहले से जी रहे हैं। पर अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो इस सभी चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको हेल्दी रहना होगा, हेल्दी खाना होगा, हेल्दी सराउंडिंग में रहना होगा, फिर जाके आप एक हेल्दी पर्सन बन पाएंगे। GOQI के हिसाब से इंडिया में 62% पीपल अनहेल्दी है और 38% लोग सब हेल्दी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इन 62 में मैं भी आता हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन से बहुत ज़्यादा खाता था और दिन ब दिन मैं फिर से मोटा होता गया, और एक टाइम आया जब 2016-17 में मुझे फील हुआ कि मैं बहुत मोटा होता जा रहा हूँ। फिर मैंने ज्वाइन किया जिम को, अपने न्यूट्रिशन पे ऊपर ध्यान दिया, और मेरा वेट तब आई थिंक 112 था, और उसके बाद 2019 तक मैं 89 के आसपास आया था, और उसके बाद मैंने जिम छोड़ दिया, और अभी फिर से मैं मोटा हो गया और अभी मेरा वेट जो है 112 kg है। और ये प्रोग्राम मैं इसीलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ मेरे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि 120 दिन में एक बॉडी कैसे चेंजेस लाती है अगर आप एक हेल्दी रूटीन को हमेशा फॉलो करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, एक हेल्दी फूड की तरफ जाए, अनहेल्दी फूड, जंक फूड्स ये सब ना खाएं, तो किस तरह से बॉडी चेंज होती है आपको भी पता चलेगा, जो कि आप मेरे साथ इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो GOQI के हिसाब से 62% पर्सन जो है इंडिया में अनहेल्दी है, उसमें से ज़्यादातर वुमेन है, जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो ज़्यादा अनहेल्दी है कंपेरिजन टू बॉयज़। अगर आप एक कैलकुलेसन छोटा सा करेंगे, 10 में से 7 अगर वुमेन्स, और अगर आप एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे तो जेंट्स के बदले लेडीज़ ज़्यादा मतलब अनहेल्दी है। तो ये चैनल में जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसके बाद, तो मेरा मेन रीज़न ये रहेगा कि अगर आप मुझे देखेंगे
तो मैं भी बहुत अनहेल्दी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, एक हेल्दी बॉडी बनाना, एक अच्छे से शेप में आना, तो ये मैं भी चाहता हूँ। और मेरी तरह बहुत ऐसे लोग हैं जो वो लोग भी यही चाहते हैं कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, एक अच्छी सी बॉडी बना के सोसाइटी में रहे। तो उसके लिए ये उन सबके लिए ये प्रोग्राम है, मैं ये जो बना रहा हूँ ये प्रोग्राम है उन सबके लिए है जो एक अच्छा सा हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है वो 120 दिन का है, मतलब लगभग 4 महीने का। और 4 महीने में ये जो प्रोग्राम है, मैं हर हफ्ते आपको अपडेट देता रहूँगा, मेरे वीडियोस का, मेरे वर्कआउट का, मेरे डाइट का, मेरे वेट का, मैं कितने केजी किस हफ्ते में गिरा क्या हुआ, और मैं कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करूँगा, कौन सा खाना खाऊँगा, कैसा मतलब वर्कआउट शेड्यूल कैसा होगा, क्या करेंगे आप अगर आपका बॉडी वेट इतना है उतना है, तो वो सब इस वीडियो में डिस्कशन होगा इस सीरीज़ के अंदर। इसीलिए इस सीरीज़ का नाम मैंने दिया है फैट टू फिट, क्योंकि जो इंडिया में लोग हैं वो फैट से फिट होना चाहते हैं पर उसका वे उनको नहीं मालूम है। तो बींग ए मिडिल क्लास बॉय, मैं वो सब तरीका आपको बताऊंगा कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप ज़्यादा कुछ चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कम बजट में आप कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, एक हेल्दी बॉडी बनाए, वो मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। तो आज है 9 अगस्त, आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर 15 अगस्त को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे को। और जो सीरीज़ है वो 17 अगस्त या 18 से शुरू होगा और ये लगभग 120 दिनों तक ये प्रोग्राम चालू होगा। 4 महीने तक मैं वीडियो डालता रहूँगा, आप देखते रहना, और उसमें आपको पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कितना किलो कम हो रहा है 4 महीने में, या और कितने दिन लगेगा। तो मैं 4 महीने लेकर चलता हूँ, मैंने 1 महीना एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि 5 महीने भी लग सकते हैं। एज यू नो आई एम एन इंडियन, तो इंडियन का खाना थोड़ा सा मतलब अलग होता है, कभी अगर किसी ने कुछ दे दिया या कुछ कर दिया तो एज यू नो खाम खा लेते हैं, तो उसकी वजह से 1 महीना एक्स्ट्रा लेके आप हमेशा आपके फिटनेस लाइफ में चलना। तो अभी आप सवाल करेंगे कि क्या ये वीडियो, ये जो सीरीज़ आप ला रहे हैं, ये क्या सिर्फ प्यार से फिट के ऊपर है? तो मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ प्यार से फिट तक का सफ़र क्या है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि अगर मैं कुछ और डिस्क्राइब करूँगा तो वो सूट नहीं करेगा। कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि मसल्स मास कैसे बढ़ाते हैं, बेली फैट कैसे घटाते हैं, वो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी अब अगर मुझे देखेंगे तो मैं भी बहुत मोटा हूँ, और अगर मैं ये चीज़ आपको बोलूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ों के बदले मैं इसीलिए फैट से फिट का प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया, क्योंकि उसमें पहले हमारा बॉडी का जो फैट है वो सब हम ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर से हम एक नई और उसके बाद एक फिर से ब्रांड न्यू प्रोग्राम शुरू करेंगे न्यू ईयर से, जो कि होगा साइज गेन के ऊपर, कि फैट ड्रॉप करने के बाद हम कैसे साइज गेन करते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे हर एक सप्लीमेंट का रिव्यू दूंगा, कौन सा सप्लीमेंट खाने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, उस सबके सप्लीमेंट हो या कुछ हो, मैं सबके बारे में आपको डिस्क्राइब करके बताऊँगा। क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है कि लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं, कोई बोलता है इंडियन अच्छा है, कोई बोलता है इंपोर्टेड अच्छा है, कोई बोलता है ऑन अच्छा है, कोई बोलता है मसल ब्लेस अच्छा है, पर मैं आपको एक जेनुइन रीज़न दूंगा, क्योंकि हम सब पैसे खर्च करके ये सब चीज़ें खाते हैं, और एक जेनुइन बात मैं आपको सबको बताऊँगा। सबको ब्रांड प्रमोट करते हैं, इसीलिए लोगों को लोग कुछ ज़्यादा बोलते हैं कि ये अच्छा है ये अच्छा है, मुझे कोई ब्रांड प्रमोट नहीं करता है, मैं सब ब्रांड खुद खा चुका हूँ। मैं ऑन खाया हूँ, अल्टीमेट न्यूट्रिशन खाया हूँ, और डायमेटाइज लिया हूँ, बिग मसल्स लिया हूँ, मैं सब कुछ 4-5 ब्रांड यूज़ कर चुका हूँ, और मुझे पता है कि सबसे अच्छा रिजल्ट कौन सा वाला प्रोटीन देता है, उसके बारे में भी मैं आपको रिव्यू दूंगा। पर एक चीज़ बोलूँगा सबको कि जो भी आप कर रहे हैं इसके बाद, इस सीरीज़ को देखने के बाद या वर्कआउट के प्रोग्राम में, आप जो भी देखेंगे अगर कुछ गलती होता है तो एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि थोड़ी सी गलती मेरा भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी थोड़ा बहुत गलती माफ़ कर देना, क्योंकि वर्कआउट में से गलती सबको होता है। आई एम नॉट एन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और प्रोफेशनल हेल्थ एक्सपर्ट और नॉट ए प्रोफेशनल फिटनेस इन्फ्लुएंसर,
मैं बस आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जहाँ से आप एक अच्छी सी लाइफस्टाइल जी सको, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सको, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम खाना क्या खाएंगे, डाइट कैसा रहेगा, वर्कआउट का शेड्यूल क्या रहेगा, कितना रिपीटेशन, कितना सेट, मेरा बॉडी वेट कितना है, मेरा हाइट कितना है, वह सब कुछ नापेंगे, एक नोट में नोट करेंगे। और फिर हर हफ्ते हम प्रोग्रेस देखेंगे कि कैसे, मतलब सप्लीमेंट ना लेने के बाद या सप्लीमेंट लेकर कैसे कोई मतलब फैट ड्रॉप करता है या बॉडी उसका चेंजेस होता है, ये आप देखेंगे। बाय द वे मैं एक पिक्चर अभी डाल रहा हूँ, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो ये पिक्चर है 2016 में जब मैं जिम ज्वाइन किया था, और ये तब का है, 2 साल के बाद का है। तो थोड़ा बहुत बदलाव मेरे बॉडी में आया था और उसके बाद मैं जिम छोड़ दिया था और मैं दूसरा जिम गया था। तो उसके बाद में 1-1.5 साल हो गया कोरोना के बाद में जिम गया नहीं। तो अभी हाल ही में कुछ प्रॉब्लम्स मेरे आए, फिटनेस के इश्यूज आए, इसीलिए मैंने फिर से जिम जाना शुरू कर दिया। तो मुझे थोड़ा सा चेंजेस मेरे बॉडी में लगा, उसके बाद में फिर से जिम जाना रेगुलरली शुरू कर दिया। अगर आप जिम जाते हैं तो एक चीज़ माइंड में रखें कि आप हफ्ते में 5 बार ज़रूर जिम जाए, 5 दिन, 7 दिन में से। अगर आप 2 दिन रेस्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अच्छे से खाइए, अच्छे से रेस्ट लीजिए और अच्छा वर्कआउट कीजिए। तो अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम बहुत सारे बातें डिस्कस करेंगे, कैसे हम एक हेल्दी बॉडी बनाएंगे, कैसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। वो मेरा जो ट्रेनर हैं भव सागर महापात्र, वो आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आज के लिए बस ये वीडियो इतना ही, ये एक बस इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैं ये बना रहा हूँ 10-12 मिनट का, मैं आपको बता सकूँ कि मैं क्यों बना रहा हूँ। और उसके बाद जो सीरीज़ है वो 15 अगस्त से शुरू होगा। मेक श्योर आप बहुत सारा प्यार इस सीरीज़ को देंगे, और ये एक नई सीरीज़ है, मुझे लगता है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत लोग आप प्यार देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, जय जगन्नाथ।